मैं सबसे पहले तो डोनेट लाइफ के संचालक को, उनके सभी सहयोगियों को, चिकित्सकों को, अस्पतालों के प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिस मानवीय कार्य में वो लगे हुए हैं उसके लिए। मैं उन परिवार के सदस्यों का भी अभिवादन करता हूँ जिन्होंने अपने परिवारजनों का अंग दान किया। दान भी कई प्रकार का होता है, उनमें अंग दान यानी जीवन दान यह सर्वश्रेष्ठ किस्म का दान है। और जिनके मन में इस प्रकार का दान देने की भावना का उदय होता है, उनका अभिवादन करना, उनके सामने नतमस्तक होना यह बहुत आवश्यक है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यह संस्था परमार्थ के कार्य में लगी हुई है। मनुष्य में दो ही प्रवृत्तियां होती हैं, स्वार्थ की प्रवृत्ति होती है, परमार्थ की प्रवृत्ति होती है। हम में से अधिकांश जन स्वार्थ में बंधे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ कार्य में लगते हैं। और यहाँ हमारे महानुभाव डॉक्टर साहब और इनके सभी सहयोगी और वे परिवार जिन्होंने अंगदान किया, ये सब मानवीय कार्य में लगे हुए हैं, परमार्थ के कार्य में लगे हुए हैं। गुजरात कई मामलों में निराला प्रदेश है, कई मामलों में प्रथम है। जिन मामलों में गुजरात प्रथम है उनमें संवेदना, मानव सेवा, फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट, ये गुजरात का स्वभाव है। उसी में से गुजरात में अनेक प्रकार की सेवाभावी प्रवृत्तियाँ संचालित होती हैं। सरकार भी लोक कल्याण के कामों में लगती है, लेकिन यहाँ गैर सरकारी स्तर पर समाज आगे आकर इस प्रकार की सेवाभावी प्रवृत्तियों में संलग्न होता है। और उसी का यह उदाहरण है यह संस्था जो अंग डोनेट करवाने के कार्य में लगी हुई है। इस मानवीय कार्य में बहुतों का सहयोग उनको मिल रहा है, अस्पतालों का, चिकित्सा विशेषज्ञों का, महानगर पालिका का, एयरपोर्ट प्राधिकरण का, उन सबको भी इस मौके पर स्मरण करना और उनका अभिवादन करना बहुत आवश्यक है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मृतक के अंगदान करने वाले गरीब परिवारजनों के बच्चों की शिक्षा की चिंता भी यह संस्था करती है। यह इनके मानवीय कार्यों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। समाज में अंगदान करने की प्रवृत्ति के बारे में कई प्रकार के भय, आशंकाएं व्याप्त हैं। एक सुसंगठित प्रसार के द्वारा, प्रचार के द्वारा इन आशंकाओं को दूर करने की मुहिम लेने की आवश्यकता है, ताकि लोग स्वेच्छा से अंगदान करने के लिए सामने आए। मुझे सूरत शहर को इस बात के लिए बधाई देनी है कि यह ऑर्गन डोनेशन में नंबर एक पर है, फर्स्ट है। खुशी की बात यह भी है कि ट्रांसप्लांटेशन की इन सेवाओं को केवल भारतवासियों तक ही सीमित नहीं रखा गया है, विदेश के लोग भी इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। इस अवसर पर मैं एक बार इस संस्था के संचालक महोदय जो मेरे बाईं ओर बैठे हैं, उनको बहुत बहुत अपनी शुभेच्छा, शुभकामना देता हूं। और जिन परिवारजनों के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी की अभी बाहर फोटो हुई है,
उनको भी मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने ऐसा श्रेष्ठ उत्तम मानवीय कार्य किया है। और ये जो मानवीय संवेदना है, ये तो किसी के मन में भी जाग सकती है, चाहे छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो। हमने देखा फोटो के समय कि कई आदिवासी बहुत ही कमज़ोर तबके के लोग, लेकिन उनमें श्रेष्ठ मानवीय भाव है, वे आगे आए और उन्होंने अपने परिवारजनों का अंगदान किया। मैं एक बार इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।